राज्य सरकार के द्वारा जल जीवन हरियाली के समर्थन में बनाए गए मानव श्रृंखला ने जहां कीर्तिमान स्थापित किए, विश्व रिकॉर्ड बनाए, तो विरोधियों ने भी जमकर निशाना साधा राज्य सरकार के मानव श्रृंखला पे। राजद नेता और पूर्व मंत्री तेज प्रताप ने नीतीश कुमार पर निशाना साधा, साथ ही मानव श्रृंखला को भी बेकार और असफल बताया। तेज प्रताप ने नीतीश कुमार के मानव श्रृंखला के खिलाफ भी मानव श्रृंखला बनाया और सरकार की नाकामियों को मानव श्रृंखला में दर्शाया। तेज प्रताप ने सीधा हमला करते हुए कहा, राज्य में बेरोजगारी भरी है, विकास नहीं हुआ है, साधनों का दुरुपयोग किया जा रहा है। नीतीश कुमार को बेरोजगार श्रृंखला और विकास की श्रृंखला जो कि जल जीवन का जो है, हम किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं। मेरा यही कहना है सरकार से कि अब देख रहे हैं कि मानव श्रृंखला के नाम पर जो जिस तरीके से अभी जो ठंड का जो कहर जो अचानक जो बढ़ा है, उससे जो बच्चे जो हमारे हैं स्कूल के जो बच्चे हैं और तमाम लोग हैं, जितने लोग हैं जो यहाँ ठंड में ठिठुरती ठंड में कोई बच्चा को मोजा नहीं पहना हुआ है, कोई बच्चा ठीक तरीके से खड़ा नहीं हो पा रहा, ठिठुर रहा है ठंड से, ठंड लग रही है, तो वैसे में जो मानव श्रृंखला का जो बात कर रहे हैं और बिहार में किस तरीके से जो इस सरकार जो डेरा बना करके जो भ्रष्ट सरकार जो बनी हुई है, नौजवानों को रोजगार नहीं है, लोग इधर से उधर भटक रहे हैं, इधर उधर पलायन कर रहे हैं और पूरा लूट हत्या और बलात्कार इतने सीमा पर पहुंचा हुआ है कि कोई इसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। वो क्या कहेंगे जो आज सरकार ने बनवा रही है? नहीं देखिए, जो मानव श्रृंखला है पूरे तरीके से सरकार का, इसमें जो ये अब नीतीश कुमार जी सुनने में आया कि 15 हेलीकॉप्टर मंगवाए, तो 15 हेलीकॉप्टर वो कहाँ से खर्चा आया, कहाँ से पैसा का वो इस्तेमाल कर रहे हैं? वही पैसा का रोजगार में इस्तेमाल होता, नौजवानों को रोजगार देने का इस्तेमाल होना चाहिए था। बिहार में जिस तरीके से जो स्थिति बनी हुई है, रोज दिन हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सीए का मुद्दा हो, एनआरसी का मुद्दा हो, लगातार हमारा कार्यक्रम जारी है और आज हम फिर इनका जो जितना भी जो खामियां हैं उनको हम सड़कों पे और पब्लिक के बीच में लाने का काम कर रहे हैं। जैसे चमकी बुखार हो गया, फिर से बाढ़ सुखाड़ हो गया, तो जैसी जितनी भी मुद्दाएं हैं, बेरोजगारी है, तमाम मुद्दाओं को लेकर के हम यहाँ सड़कों पे आए हुए हैं और वैसे में ये नौजवानों को रोजगार देने का इन लोगों ने ये किया था, लेकिन जो जिस तरीके से यहाँ पे आप देख रहे कि मानव श्रृंखला ये लगाए हैं, उससे अच्छा होता कि रोजगार श्रृंखला लगाने का काम करते तो वो ज्यादा बेहतर होता। एक सवाल और तेज प्रताप जी, कि इन मुद्दों पर कांग्रेस अब सड़क पर उतरने वाली है, उन्होंने तैयारी कर रही है, आप लोग कब तक घर से राजनीति कीजिएगा, आप लोग कब सड़क पे? देखिए, हम घर पे राजनीति हम नहीं करते, हम लोग घर में रहने वाले लोग नहीं, हम लोग ग्राउंड पे रहने वाले लोग हैं, हम गरीब गुरबा के हमारी पार्टी है और हम लोग हमेशा शुरू से ही हम लोग लोगों के बीच में रहे हैं, जनता के बीच में रहे हैं। तेजस्वी जी का कार्यक्रम लग चुका है, पूरे बिहार में अपना बात को रख रहे हैं तेजस्वी जी, हम लोग भी छात्र नौजवान जितने लोग हैं यूथ हैं, तमाम लोग अपना बात को रखने का काम कर रहे हैं, हम लोग घर में बैठने वाले नहीं है। घर में बैठने वाले नीतीश कुमार जी हैं, जो उतना दिन से चुप्पी साधे हुए थे, चोर दरवाजा से एंट्री कर दिया। नीतीश कुमार खुलकर क्यों नहीं बोल रहे हैं? नीतीश कुमार अंदरूनी से बोल रहे हैं ना, भीतर गुनिया से बोल रहे हैं, वो एक तरफ उधर उधर सपोर्ट भी करते हैं, इधर बोलते हैं कि बिहार में लागू नहीं होने देंगे, तो दो नाव पे चढ़ने वाली बात हो गई ना, दो नाव पे चढ़ने वाला काम। अच्छा, अमित शाह ने तो कह दिया कि 2020 में नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेंगे, तो कितनी मजबूती है महागठबंधन की? आपने तो परिणाम देखा ना झारखंड में, किस तरीके से परिणाम हुआ, उसी तरीके से पूरे सब जगह बिहार में भी उसी तरीके से परिणाम होने जा रहा है। एक सवाल और, जीतन राम मांझी आरजेडी करेगी मानव श्रृंखला?